हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी ड्रिंक, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत, बेल का जूस, बेल की सिकंजी, आप जो भी कहिए, क्योंकि आज हम एक ही बेल से ये तीनों चीज़ें बनाने वाले हैं। बेल को इंग्लिश में वुड एप्पल या स्टोन एप्पल भी कहते हैं। समर के लिए तो ये फलों का राजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे वो दर्जा मिला नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस एकदम मैजिकल होती है और ये हमारे लिए हेल्दी तो होता ही है, साथ साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। आप इसे एक बार ट्राई करिए, इसमें एक अलग तरह की स्वीटनेस होती है, लाइक डिवाइन। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए, आई एम डैम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि पेड़ से अटैच जो भी लकड़ी इसमें लगी होती है बेल में, वो अगर आसानी से निकल जाए, मतलब कि बेल अच्छे से पका हुआ है। अब चलिए, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आप कौन सा बेल पका हुआ है और कौन सा कच्चा है। तो चलिए अब इसे हम तोड़ लेते हैं। आप किसी बेलन की हेल्प से या किसी पत्थर की हेल्प से, जैसे भी आप चाहें इसे तोड़ सकते हैं। देखिए, ये मैंने तोड़ लिया है, मैंने बेलन की हेल्प से तोड़ा है। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और फिर हम लेंगे एक कोई भी बर्तन, आप ले सकते हैं जो गहरा हो, आप वही बर्तन लीजिए और उसमें हम स्पून की हेल्प से या आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे इसके अंदर का जो भी गूदा है, जो इसके हार्ड सेल्स हैं, उसमें से हम सारे निकाल लेंगे। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे ही निकालिएगा। ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। अगर वो नहीं निकल रहे हैं, मतलब कि आपने जो बेल लिया है वो अच्छे से पका नहीं है। मैंने जो बेल लिया है वो पक तो गया है, लेकिन थोड़ा टाइट है, तो इसके हार्ड सेल से अच्छे से गूदा निकल नहीं रहा था। तो मैंने एक छोटी, जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं स्पून, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। आप नाइफ का यूज़ ना करें, नहीं तो उससे आपके हाथ कटने के चांसेस होते हैं। अब मैंने बेल के सारे जो भी उसमें कूदा था उसको मैंने सबको निकाल लिया है और अब मैं दिखाती हूँ। बेल में छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, मतलब होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो भी इसका जूस है या शरबत है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वे होते हैं। तो या तो आप उसे पहले ही रिमूव कर लीजिए एक एक करके, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें वापस से गूदा डाल देंगे और इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। जितना भी आप उतना पानी ऐड करें जिससे कि जो भी उसका गूदा है वो अच्छे से उसमें एडजस्ट हो जाए। पानी डालने के बाद मैं इसे एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये थोड़े टाइट है। अगर ये बहुत ही अच्छे से पक गया होता तो फिर हमें इसे एक घंटे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब एक घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे वापस से देखिए ये कैसे बिल्कुल इसका जो गूदा है वो फूल चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो भी उसमें गूदा है वो पानी में चला जाए और जो भी उसके सीड्स हैं या उसमें जो भी जो उसके रेसे हैं वो सब अलग हो जाए। और इसे हमें तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक कि वो जो भी उसमें सीड्स हैं वो अलग ना हो जाए। अब मैं इसे किसी बर्तन में छान लूँगी, जाली वाले बर्तन से। आप पतले वाले छन्नी, अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी है तो आप उसी से छाने। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि जो भी इसमें छेद है वो बड़ा बड़ा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ही बारीक सी छेद है। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कॉटन के कपड़े से इसे छान सकते हैं। बस कैसे भी इतना ध्यान रखें कि जो भी हम जूस निकालें उसमें एक भी बीज ना जाए, क्योंकि अगर एक भी बीज चला गया तो आपका शरबत या जूस या सिकंजी जो भी आप बनाएंगे वो कड़वी हो जाएगी। तो मैं इसे चलाते हुए अच्छे से छान लूँगी।
अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे अच्छे से हम वापस से मिला लेते हैं, ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत गूदा है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए सारे बीज अलग हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें एक भी सीड्स नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बेल का जूस तैयार है। आप चाहे तो इसे, इसमें अलग ही स्वीटनेस होती है, तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। बस हल्का सा पानी ऐड करिए, आइस क्यूब डालिए और ऐसे पी लीजिए। और लेकिन हम इसे थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। उससे टेस्ट तो चेंज नहीं होता है, लेकिन एक स्मूथ सा, जैसे हम स्मूदी बनाते हैं ना, वैसा सा एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। उसके लिए हम लेंगे एक बर्तन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब, कुछ पुदीना की पत्ती और जो हमने जूस तैयार किया है उसे डाल देंगे। सारा जूस आप डाल दीजिए। आप चाहें तो इसी टाइम इसमें कुछ पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें अभी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं इसी बेल के जूस से, बेल का जूस, शरबत और शिकंजी तीनों बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो ऐसे इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी, अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन आप बेल का शरबत जब भी बनाएं, फ्रेश ही बनाएं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम हो जाते हैं। अब बेल का जूस तैयार हो गया है, तो अब हम इसे ढक देते हैं ताकि इसमें कुछ भी डस्ट वगैरह ना पड़े। और अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी बेल का जूस। इसमें डालेंगे आइस क्यूब, पुदीना की पत्ती और आप जो ये जूस है वो डालिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। बस आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ही पीजिए, या एक चम्मच हनी ऐड कर दीजिए। तो रेडी हो गया हमारा बेल का जूस। अब हम बनाएंगे बेल का शरबत। तो उसके लिए हम डालेंगे आइस क्यूब, पुदीना की पत्ती और बेल का जूस ऐड करेंगे। पूरा ग्लास मत भरिए, बस थोड़ा रहने दीजिए। और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने चीनी को पीस के रखा है। चीनी को पीस के मिलाने से क्या होता है कि बहुत ही जल्दी उसमें घुल जाती है, और जूस में अगर आप चीनी मिला दीजिए तो हो गया, उसमें एक अच्छा सा शरबत का फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। मुझे तो ये ऐसे ही जो बेल का शरबत पसंद है। अब हम बना लेते हैं बेल की शिकंजी। उसके लिए आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आइस क्यूब डालिए, पुदीना की पत्ती डालिए और फिर इसमें भी बेल का जूस जो हमने बनाया है वो भी डाल दीजिए, आधा ही डालिए, क्योंकि हमें पूरा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर है ये। और इसमें डालेंगे वापस से जो हमने चीनी पीस के रखा है वो, आप चाहे तो जैकरी पाउडर भी यूज कर सकते हैं या जो भी हनी या जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल लीजिए और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बस बन गई हमारी बेल की शिकंजी। तो मैंने तीनों तरह से आपको बता दिया है, आप ज़रूर बना के घर में ट्राई करिए और बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी या कौन सी शिकंजी या जूस, जो भी आपको पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या बनाया है और आपको क्या पसंद आया है। अगर आप मेरी तरह से जूस निकाल के रख लेते हैं तो आप तीनों चीज़ों को एक ही बार में बना सकते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप वैसे ही बना के रखें और उसे जैसे मन करे वैसे बनाएं। और देखिए थोड़ी सी शरबत बच गई है, तो अब हम उसे स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए आप आइस क्यूब वाली ट्रे लीजिए और बस उस ट्रे में हम जो भी इसमें जूस बचा है बेल का वो हम सारे डाल देंगे।
देखिए आराम से डालिए, नहीं तो वो गिर जाएगा। और बस हम इसे जमा लेंगे इसे फ्रीजर में रख के। लेकिन आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आप बेल के शरबत को फ्रेश ही पिया करें। लेकिन अगर बच जाता है तब आप इसे ऑप्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप बेल के जूस को स्टोर करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगी, उसकी रेसिपी दूंगी कि आपको इसे कैसे स्टोर करना है। ऐसे स्टोर करने से कच्चा वो ख़राब हो जाता है, तो आप ऐसे बिल्कुल स्टोर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर आप उसे पी के ख़त्म कर दें। तो अब आप भी बेल का जूस बनाइए, शरबत बनाइए, सिकंजी बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने क्या बनाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।